हेलो एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी वेलकम टू कंप्लीट कोर्स ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स में आप सभी का स्वागत है नाउ आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर चैप्टर्स एंड टुडे विल टॉक अबाउट चैप्टर थर्टीन दैट इज इंपीरियल चोलास काफी समय के गैप के बाद आज हम अपने वीडियोज को रिज्यूम करेंगे और आज हम ियल चोलास जो नहीं पढ़ता है वो कभी इतिहास नहीं बनाता है नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड दीडियोज ऑन वीकेंड्स मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सैटरडे संडे को वीडियोज़ अपलोड करूँ बिकॉज एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था वीक डेज में नाउ आई एम डूइंग समथिंग एल्स इन विच आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टीच मैक्सिमम पीपल हु आर रियली सीरियस अबाउट द एग्जामिनेशन तो ऐसा नहीं है कि इट विल बी अवज लॉस टू यू प्लीज बी सिंसियर ऑन वीकेंड्स इफ़ आई विल फील अगर मुझे लगेगा कि आप वीकेंड्स पर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोज ऑल सेवन डेज अ वीक अब दिस अपडेट से आप वीडियोस तो देखते हैं मगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो इन केस हमारे यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी के कम्युनिटी सेक्शन पे जब भी मैं कोई पोस्ट अपलोड करूंगा या कोई अपडेट नए वीडियो की या लेट से मैं कोई शॉर्ट नोट्स देता हूं विच माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दैट विल बी विजिबल ओनली टू एस्पायरेंट्स हु हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल तो यानी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सिर्फ वीडियोज को देखते हैं तो आपको आने वाली कोई नई पोस्ट या अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी सो प्लीज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज डू एंड प्लीज डू स्टार्ट लाइकिंग दीडियोज दैट आई अपलोड एंड स्टार्ट कमेंटिंग बिलो दीडियो सो दैट जो YouTube का एल्गोरिदम है वो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा एंड वी कैन हेल्प दो रियल पीपल हु अदरवाइज कुड नॉट अफोर्ड कोचिंग एन अपडेट इज लेट से अगर आपको कोई डाउट है तो अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क योर डाउट बिलो दी वीडियो इन दी दमेंट सेक्शन आप कॉमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे अपना डाउट पूछ सकते हैं और लेट से इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट टॉपिक वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है You have any specific doubt related to the strategy related to the examination or you need any counseling, you are confused about something. So there's a change of the Instagram ID. This is my personal Instagram account, my personal Instagram account, hai, Abhijit Singh Aurora. I request all of you to please follow me over here. बिकॉज ऑन दी अदर इंस्टाग्राम अकाउंट यू पी एस सी डिजिटल लाइब्रेरी दैट इज राइट नाउ डॉर्मेंट उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ सो आई रिक्वेस्ट दैट यू फॉलो मी ओवर हियर यू कैन सेंड मी अ मैसेज यू कैन आस्क मी और स्पेसिफिक डाउट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल सो विदाउट फर्दर डिस्कशंस लेट स्टार्ट आवर चैप्टर ऑन इम्पीरियर चोलास संगम पीरियड जिसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था जिसमें हमने चेरा चोला और पांड्या के बारे में डिस्कस किया था आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द संगम पीरियड विच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड बिकेम फ्यूडियटरीज इन उरायूर ये तो हमने पहले पढ़ दिया था नाउ लेटर ऑन अगेन इन दाइन्थ सेंचुरी दे बिकेम अ प्रोमिनंट पावर इन द साउथ इंडिया इन दिन इंडिया Again in the 9th century, they became a prominent power. But remember one thing don't get confused between the old Cholas, what we have studied, and the Imperial Cholas, what we are going to study right now. These two are completely different. They again emerged after a long period of time, after a long gap. And over here, obviously, the kings and rulers. आर गोइंग टू फॉलो अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फ्रॉम दी प्रीवियस चोला रूलर्स तो पुराने चोला रूलर्स जो थे वो एक छोटे रीजन पे रूल करते थे लेकिन बाद में ये जो अर्ली मेडिवियल के टाइम पर जो इम्पीरियर चोलाज आएंगे दे आर गोइंग टू रूल ओवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच वेरी सुन वी आर गोइंग टू सी नाउ द कैपिटल ऑफ इम्पीरियर चोलास वॉज तांजोर इंपीरियर चोलास की कैपिटल तांजोर थी सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं नॉट जस्ट इन साउथ इंडिया दे हैड देयर रूल इन श्रीलंका एज वेल एज इन मले पेनिनसुला नाउ इफ यू गाइज आर गेटिंग कंफ्यूज वॉट दिस मले पेनिसुला इज डोंट वरी आई विल शो यू दैट इट बिकॉज दे हैड अ वास्ट रीजन अंडर देयर कंट्रोल क्योंकि इनके अंडर में एक बहुत बड़ा एंपायर था दे वेर ऑल्सो कॉल्ड एस दोला जो नाम है वो इसलिए था बिकॉज टू रूल ओवर जिनके थ्रू हमको इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलेगा इनके टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पता चलेगा विलकम टू नो अबाउट दस रूलर ऑफ द इम्पीरियर चोलास नाउ ओवर हियर यू गाइस कैन सी सो

okay so same way we will also have a look at the word isthmus that also we'll look into in the geography videos all right okay so now the founder of the imperial chola was vijayalaya all right and he capt captured tanjore इन 1850 एडी और वहां पर उन्होंने एक दुर्गा का टेम्पल भी बनाया था और इन्हीं के जो बेटे थे आदित्य उन्होंने पल्लवा के किंगडम को भी लगभग समाप्त कर दिया था हिज सन सन ऑफ विजलिया आदित्य ही ऑलमोस्ट पुट एन एंड टू पल्लवा किंगडम बाय डिफीटिंग अपराजिता एंड ही एनेक्स्ड टोंडाई मंडलम उन्होंने टोंडाई मंडलम को अपने रीजन में एनेक्स कर लिया था या जोड़ लिया था ना इफ आई टॉक अबाउट दी अर्ली चोला रूलर्स उसमें परांतका वन वॉज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट रूलर उन्होंने पंड्यास को भी हराया था पांड्यास को भी और सेलोन के रूलर को भी हराया था सेलोन मीन्स श्रीलंका होप दिस मेक सेंस बट दी परंतका वन ही सफर्ड अ डिफीट उनको एक हार का सामना भी करना पड़ा था राष्ट्रकोटास से और यह भी एक बहुत अच्छे राजा, राजा थे जिन्होंने कई बड़े बड़े मंदिर बनाए थे लाइक ही इज ऑल्सो फेमस फॉर प्रोवाइडिंग एलिवेटेड स्ट्रक्चर ओवर दस नटराज टेम्पल एंड दिस इज समिंग दैट यू कैन रीड फाइन और कई इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमको ये भी पता चलता है कि अंडर हिज रूल अंडर द चोलस रूल हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज़ टेकिंग प्लेस नाउ एज़ आई टोल्ड यू दैट ही सफर्ड अ डिफीट अंडर द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटस परंतकवन हु वाज़ एन इंपॉर्टेंट अर्ली चोला रूलर्स ही हैड अ डिफीट अंडर द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटस तो लगभग 30 साल के एक गैप के बाद फिर से चोला उभर कर आते हैं दे इमर्ज आउट अगेन and they regained their supremacy under the king raja raja one who is one of the most important ruler of imperial chola jo ki ek bahut important ruler the ab raja raja one और उनके बेटे राजेंद्र वन ये दोनों ही बहुत महान राजा थे और इन दोनों के साम्राज्य के टाइम अंडर दी रूल ऑफ राजा राजा वन एन राजेंद्र वन द चोला पावर रीच्ड इट्स जेने अपने पर पहुंच गई थी देर आर वेरियस मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट दैट देगजाम्पल दे रूलर ऑल्सो देडल बैटल विदी से उनकी लड़ाई हुई थी एंड दे ऑलमोस्ट डिफीटेड दंप्लीट चेरा नेवी उन्होंने ध्वस्त कर दिया था पूरी चेरा की नेवी को इफ यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट दिस चेरा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बैक, लेकिन फिर भी ये जो चेरा रीजन है ये केरला का रीजन है दिस इज़ केरला रीजन, उन्होंने पांड्या रूलर को भी हरा दिया था और चोला की जो अथॉरिटी या सुप्रीम थी वो पांड्या रीजन पर भी इस्टेब्लिश हो गई उसके अलावा दे ऑल्सो हैड कॉन्क्ट इन दाइसूर रीजन एंडिफीटेड एंड इनके जो बेटे थे राजेंद्र वन his son Rajendra I, he was given the responsibility to invade Ceylon, which is Sri Lanka. And under Rajendra I, who was the son of Raja Raja I, he defeated Sri Lankan kin, king Mahendra V, who ran away from Sri Lanka. And under Rajendra I, the Cholas were able to capture श्रीलंका दे वेर एबल टू कैप्चर द नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका तो इस तरीके से नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका भी अंडर में आ गया था एंड लेटर ऑन वॉट हैपन वॉज जो कैपिटल थी उसको भी चेंज कर दिया था सही लॉन में श्रीलंका में वेरा शिवा टेम्पल वॉज ऑल्सो बिल्ट होप दिस मेक्स सेंस अब चोला की विक्ट्री थी दी विक्ट्री ऑफ दी चोला वाज ग्रोइंग डे बाय डे एंड लेटर की कोशिश की थी एंड हियर ऑल्सो राजा राजा दी रायचूर दाऊ. अगर आप लोगों को रायचूर दाऊ के बारे में नहीं पता आई थिंक देन यू हैव नॉट वॉच प्रीवियस वीडियोस दाऊ इज अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स विच इज वेरी वेरी फर्टाइल एंड जनरली विच इज ग्रेट रूलर्स क्योंकि इट बिकम्स लाइक इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर दैट ये स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है इट इज वेरी फर्टाइल ऑल्सो एंड देन ऑब्वियसली एज इट इज वेरी फर्टाइल हियर दॉपुलेशन ऑफ दीपल विल बी मोर सो इट इज वेरी प्रोडक्टिव फॉर अंग टू कैप्चर दिस रीजन ऑल राइट तो इस तरीके से जो चोला पावर थी दी, दी पावर दे एक्सटेंडेड अपर टूंगा भद्रा All right. Now, this is also not very important. They even defeated the the uh, Telugu region, and then they even Raja Raja gave his daughter over there to Vimala and then he tried to maintain cordial relations with the Telugu rulers. Fine. His last military conquest was a naval expedition, which was research, thi, he was trying to uh, capture the other parts. He. मालदेवीज आईलैंड so, के जो आइलैंड थे उनको ग्रेट पावर्स पांड्या चेरास एंड देन तोंडाई मंडलम जो तमिलनाडु के थे ऑल ऑफ देवन दिलुगु पार्ट इवन द श्रीलंकन पार्ट इवन द मालदेवीज आईलैंड Which were even beyond India, they came under the rule of imperial Cholas. These were some of the titles which Raja Raja got after having so many successful uh, conquests. He was a follower of Shaivism. Wo The other वो दूसरे रिलीजन के लिए कंपैशनेट थे उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को भी कंस्ट्रक्ट करने में मदद कराई थी इन नागपट्टनम विच यू कैन सी अब जो उनके बेटे थे राजेंद्र वन विच आई टोल्ड यू हू वॉज टेकिंग केयर ऑफ दी नदन सई लॉन और दी नदन श्रीलंका ना हीइंग दी एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी वो भी एक एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो करते थे जैसे कि मैंने पहली बता दिया थी कौन कर दिन श्रीलंका एंड देन ही ऑल्सो वॉज एबल टू रिसर्ट द अथॉरिटी ओवर द चेराज इन दी पंड सो चोला एमंग ऑल थ्री बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट

And he he even crossed the Ganga River, and he tried to defeat a lot of rulers. and he was successful in doing so also. like for one of them, you guys can see that Gangai Konda Chola Purlam. So this was one of the city which he established all right, And over there also, राजेश वर्नम टेम्पल वॉज क्रिएटेड ओवर देयर वहां पर इरीगेशन टैंक्स टैंक्स भी बनाए थे ही क्रिएटेड टैंक्स जो वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी में थे फाइन इसके अलावा वो कई नेवल एक्सपीडिशन भी करते थे एंड इट इज नॉट लाइक दैट द प्लेस दैट वॉज एनेडर राजेंद्र वन वॉज परमानेंट ऐसा नहीं था बिकॉज दे यूज टू अगेन फेस अ लॉर्ड ऑफ रिटेलिएशन फ्रॉम डिफरेंट सबोर्डिनेट्स मतलब अगर सपोज उन्होंने तीन से चार जगह जीत ली है इफ़ राजेंद्रेज कैप्चर्ड ना देर यूज टू बी रिटेलिएशन वहां की जो फ्यू ड्यूट्रीज थी वो भी अटैक बैक कर राजेंद्र वन थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं दे यूज टू फाइट बैक एंड ट्राई टू कैप्चर बैक देअर लॉस्ट टेरिटरी टाइटल विच राजेंद्र वन वॉन सो बट ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ही हैड पुट डाउन ऑल द रिबेलियंस

और जो केरला पांडे और मैसूर रीजन थे श्रीलंका वो तो वैसे भी उसका हिस्सा थे इनकी जो बेटी थी उनको वेंगी चालुक्या प्रिंस के साथ शादी करा दी विच आई टोल्ड यू दैट विद देम दे क्रिएटेड अ वेरी विद्रिएटेडियल रिलेशन इवन विद तेलुगु दे हैड अ वेरी हैडरी रिलेशंस देयर वेर वेरियस टाइटल्स विच दी राजेंद्र वन ही हैड डन और राजा राजा वन की तरह उनके जो बेटे राजेंद्र वन थे ही वॉज ऑल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवाड ऑफ टेम्पल्स ये तो मैंने बताई दिया था जो सिटी उन्होंने गंगा नदी क्रॉस करके वहां पर जो हरा के उन्होंने एक इस्टेब्लिश की वॉज ऑल्सो टॉलरेंट टूवर्ड्स वैश्विज्म एंड बुद्धिज्म और दे ही इवन लेट दुद्धिस्ट इसब्लिश देयर मोनेस्ट्रीज एंड अदर टीचिंग प्लेसेस राजेंद्र वन के बाद जो राजा आए थे जैसे कोलू टूंगा वन कोलू टूंगा थ्री जो कोलू टूंगा वन थे बेसिकली बेटी थी उनके बेटे थे कोलू टूंगा वन और राइट नोइंग दिस इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट इम्पोर्टेंट स्टिल तो वो जो कोलू टूंगा वन थे वो उनके नाती थे राइट सो ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ राजेंद्र वन एंड ड्यूरिंग हिज रेन वॉर हैंका बिकेम इंडिपेंडेंट और बाद में लेटर ऑन क्या होगा कि पूरे श्रीलंका को भी कैप्चर किया गया था एनी वेज सो इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हियर वॉज दैट थोड़ा थोड़ा नुकसान तो हुआ इम्पीरियर चूलास को वेन दी राजेंद्र वन लॉस्ड दो लॉट ऑफ थिंग वे आर प्रिजर्वड बाई दीज रूलर्स बट दे वे आर नॉट एज इफेक्टिव एज देअर ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर जो कोलू टूंगा वन थे उन्होंने एक अपनी लार्ज एम्बेसी जो थी मर्चेंट्स की उनको चाइना भेजा था और उनके साथ क्वारियल रिलेशन भी बनाए थे जो श्री विजया थे ये इंडोनेशिया में रूल करते थे सो so, इंडोनेशिया के साथ भी इन्होंने कॉर्डियल रिलेशन बनाए थे और जब कोलू टूंगा थ्री आ गए थे तब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक होता गया था एंड देन क्वाइट ऑब्वियसली देन द इम्पीरियर चोलाज विल नॉट बी एज स्ट्रॉग एज दे यूज टू बी बिफोर राजेंद्र वन की अगर मैं बात करूं तो वो लास्ट चोला किंग थे जिनको फिर हरा दिया गया था एंड देन चोला किंगडम वाज एब्सोर्व इनटू दी दांड्या एम्पायर तो इफ आई टेल यू व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम इम्पीरियर इम्पीरियर चोलास देन राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन दीज आर दी इम्पीरियर द इम्पोर्टेंट रूलर्स विच हैड प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द इम्पीरियर चोलाज सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट

और जो गंगा नदी क्रॉस करने के बाद दे द सिटी देयर रॉयल कोर्ट्स आल्सो आल्सो इवन टेंपल कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर देयर वाज एन एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जहां पर कई ऑफिशियल्स थे लाइक यू गाइस कैन सी पेरुंद नम सिरुंदा नम सो दीस वेयर द नेम ऑफ द वेरियस ऑफिशियल्स व्हिच वे असिस्टिंग द किंग और द दर फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वाज हैपनिंग थ्रू द किंग अब अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो ऑब्वियसली अगर देश चलाना है इफ हैज टू रन द कंट्री दे मस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम सो वेरियस काफ ऑफ टैक्सेस वेयर लिवाइड अगर किसी की मैरिज भी है सो आल्सो ड्यूज वेयर आर लिवाइड प्रोफेशनल टैक्सेज वे आर ऑल्सोल्सो जुडिशियलो दी आर वी आर डि बट लेट्स से ऑन द कि जो लैंड थे उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लेते थे दैट वाज अ मैटर विच वाज वेरी प्रेस्टिजियस टू देम विच वाज वेरी क्लोज टू देम वो टेंपल के जो जमीन थी उस पर कर यानी टैक्स नहीं लेते थे अपार्ट फ्रॉम दैट इवन ऑन द रेसिडेंशियल पोर्शन वेयर दीपल वे आर स्टेगो दे टैक्स यूज टू टेक प्लेस नाउ दे हैड अ वेरी गुड वेल डिफाइंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑलरेडी what you can see over here. Now, the कोलू टूंगा वन जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में देखा था एंड कोलू टूंगा थ्री कोलू वन के रूल में क्या हुआ था ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड किंग इन्होंने क्या किया था जब मुश्किल का दौर आता था लेट से एग्रीकल्चर इज नॉट गोइंग वेल और दी पीपल आर हैविंग सम काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन विच दी पीपल आर नॉट एबल टू कोप अप टू देयर ओन बेसिक डेली नीड्स वो अपनी डेली की ही रोजमर्रा जिंदगी में उतने पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं तो जो कोलू टूंगा वन थे वो टैक्स को कम भी कर देते और कई कई बार रिमिशन मतलब माफ भी कर दिया जाता था सो दैट इज वाई ही अर्न दिस टाइटल सो दिस टाइटल यू गाइस कैन रिमेंबर दैट विच वॉज द किंग हु अर्न दिस टाइटल

If I talk about the military administration, they had a big standing army in which they had elephants, cavalry, infantry, that means foot soldiers, and the navy. So it is said from the inscriptions that they almost had 70 regiments. So that's a very, very big army. 70 regiments, that means in, in one regiment itself, there will be a big unit of the army. So 70 regiments, that means they were very, very big. And uh, then there were proper attention was given that the uh, proper training to the army was given so that they are always ready to fight a war always ready to fight with the uh, different territories or whenever they go for a conquest they are always ready to win the war for the Imperial cholas saath, even military cantonments also used to exist. Milita cantonment is a place where the uh, army barracks exist jo army ki unit hai par hai, that's the cantonment area and they even not not just the Army they used to place special attention to the navy also. and it is even said that during their time, the navy reached to its zenith. Jo malabar ke coast, coromandel coast, hai, they were under the direct control of the imperial cholas. or bay of bengal, abhi, jo coastal areas at the time, they were also under the administration of the chola. so they had a great military power, both in terms of the army and the navy. for those of you who, who might have just thought about the air force, come on. the indian air force came just now. ऑलमोस्ट हंड्रेड ईयर्स बैक हाउ कैन दी एयर फोर्स बी प्रजेंट ओवर देयर यू गैस शुड थिंक अबाउट इट नाउ अगर इनके प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें तो जो इनका एम्पायर था जो राजा के अंदर में था एम्पायर के अंदर वो मंडलम में डिवाइडेड था फिर मंडलम वालाडूज में डिवाइडेड थे फिर वालाडूज नाडूज में और नाडूज के अंडर में भी कई ऑटोनोमस विलेजिस आते थे तो जो मंडलम्स थे देवेर जनरली अंडर दंट्रोल प्रिंस राजा के ही प्रिंस देख लेते थे या बिग ऑफिडूज थे पेरिया नट्टर और जो नाडू थे वो नट्टर के अंडर में कंट्रोल में थे और इवन दी टाउंस आल्सो नॉन एज नगरम एंड नगर वाज अ काउंसिल इन विच वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशल और दाउन फाइन If I talk about the village assemblies, now we get to know a lot about their village administration uh, in the Cholas. Or अगर हम पूरे एक administrative setup की बात करें तो हमको बहुत detail में यहाँ पर पता चलता है। Like for example, let's take an example of a village. तो almost 30 wards में वो divided था। और हर ward से भी एक-एक वार्ड मेंबर इलेक्ट होता था और फिर विलेज का एक सरपंच तो होगा ही देर यूज टू बी वेरियस वार्ड मेंबर्स अ विलेज हेडमैन लाइक सरपंच सो इफ यू गाइज हैव नॉट वॉच वीडियो ऑफ क्लास सिक्स एनसीईआरटी which uh, it's in Hindi, by the way, it's not in English and in the bilingual uh, language, you guys can do watch if you understand Hindi. Over there, I have uh, very uh, briefly explained about the village administration, the municipal, uh, municipal corporation. So that will be an added advantage to you if you guys have uh, watched that. Uh, now, one beautiful thing which you will सी ओवर हियर अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम वार्ड मेंबर अगर आपको वार्ड मेंबर बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन भी थी कि आपके पास वन फोर्थ वैली वैली वॉज अ यूनिट ऑफ लैंड तो एटलीस्ट इतना लैंड तो आपके पास होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप लैंडलेस हो तो आप, आप वहीं के रेसिडेंट होना चाहिए इट्स इट शुड नॉट एपन दैट यू माई ग्रेट

Make some uh, silly uh, decisions which could prove out to be fatal for their village. they should have knowledge about Vedas Vedas Ve knowledge Hinduism was almost at its zenith peak, so that was also very important or there were certain norms of disqualification also. so let's say if you have been a member of the committee from past three years, so you cannot contest elections again because they have to give opportunities to the new people in India it doesn't happen.

If you meet those criteria, you can request to be elected for that ward member. और आपकी पर्ची डाली जाएगी एक पॉट में स्मॉल बॉय विल पिकअप जिसका नाम आ जाएगा वो दैट इंडिविजुअल गेट नॉमिनेटेड एज Ward member from that ward. Hope this makes sense. Take Generally, now this is simple things. They used to meet under the tree, pass the resolutions, or so kithni committees ongi like you guys will see the name of few committees. Not important to remember, it's not required unless you are preparing for your Tamil Nadu state board examinations. So, uh, how many committees will be there? How many ward members will be there in a particular village? It depends from village to village. Hope this makes sense if I talk about their social and economic life. The caste system was prevalent because Hinduism was at, as its, uh, at its zenith, so the Brahmins and Kshatris were enjoying the special privileges which were not available to Vaishyas and Shudras, or this uh, division hai about the caste. So, this also is mentioned in the inscriptions. All right, these you can read the name. Alright, hope about these caste divisions what were there. Alright, even caste can the subcaste be hoti The position of women was not much good. Even the uh, sati system was prevalent, even in the royal families, they had a sense of insecurity that once the male member has died, so it should not happen that somebody should abduct their wife. And so, sati system was prevalent. Now, uh, near to the temple, दिस डांसिंग गर्ल सिस्टम स्टार्टेड एमरजिंग देवदासी सिस्टम अब देव की दासी नाउ दिस देवदासी मीन्स मतलब वो भगवान की भक्ति में डांस हो रहा है सो इट्स नॉट लाइक इट्स अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट टेकिंग प्लेस इट्स अ डांस डिवोटेड टू द गॉड सो सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो स्टार्टड एमरजिंग आउट बहुत शिव की भक्ति शैविज्म एंड वैश्विजम वेर फ्लोरिशिंग एंड इवन दे वेर एज दे वेर लिबरल सो बुद्धिज्म अदर डूइंग फाइन नाउ फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी टेम्पल वेयर दाइंड ऑफ सेंटर्स वेर पीपल टू गो डोनेट मनी और टेम्पल लैंड के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं they used to build a lot of temples the agriculture and industries were also flourishing forest land was also going well इरीगेशन टैंक्स वी आर कंस्ट्रक्टेड सो दैट पीपल शुड नॉट फेस इन एग्रीकल्चर वीविंग इंडस्ट्री सिल्क वीविंग इंडस्ट्री जो कांचीपुरम की साड़ियाँ माइट हैिश अलॉट एंड इवन यूटेंसिल्स थिंग्स मेटल वर्क एवरी थिंग वॉज गोइंग फाइन सो दे लॉर्ड ऑफ कॉइंस ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर गोल्ड सिल्वर कॉपर इनके बहुत कॉइंस इशू होते थे एंड दे आर अ गुड कॉन्टैक्ट्स विद दी चाइना सुमात्रा जावा जावाइलैंड अरेबियन पीपल यहाँ तक कि अरेबिया से तो वो घोड़े भी इंपोर्ट करवाते थे बिकॉज इन दी अरेबिया दी हॉर्सेज वेयर हैविंग Uh, better strength compared to the Indian horses, and they provided a much better strength to the cavalry, which was a part of the army. So in ki army ko strong the Arabian horses played a very important role. If I talk about education, education was also going very very fine. Apart from the Vedas and the epics, even mathematics, medicine was also taught. And uh, uh, as you guys can uh, uh, see over here that, जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था वो तमिल लिटरेचर uh, से फाउंडेशन इज फ्राम तमिल सो तमिल लिटरेचर ऑलमोस्ट रीच्ड टू इट्स पीक ड्यूरिंग दी चोला एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट वाज ऑल्सो समथिंग सो यहाँ की एक रामायण थी जो uh, कंबान ने लिखी हुई थी एंड देन यू कैन रीड अबाउट दीज अदर मास्टर ऑफ दिस एज ऑल्सो

निर्माण किया गया था सो दीज ऑल थिंग्स यू गाइस कैन रीड ओवर वे नथिंग मच टू एक्सप्लेन लुक एट द मास्टर पीस लुक एट हाउ ब्यूटिफुली दीज टेम्पल्स बीन कंस्ट्रक्टेड सोइ होम वर्क लेट सी हु विल टेल मी वट इज द नेम ऑफ दिस टेम्पल एंड वट इज द नेम ऑफ टेम्पल दिस टेम्पल यू कैन कॉमेंट बिलो एंड वन मोर थिंग

डाउट मे बी योर डाउटो जो डाउट कोई पूछ रहा है तो uh, का so so पता चल जाएगा वेर डू यू स्टैंड आफ्टर दिस कोर्स इज फिनिश्ड सो अपार्ट फ्रॉम दल्सो स्कल्चर भी बहुत अच्छे बने ये तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में ये किसी पोस्टर में कहीं ना कहीं ये लॉर्ड शिवा की जो ये नटराज की डांसिंग ब्रॉन्स की स्टैच्यू ये जरूर देखी होगी आई एम डैम श्योर अबाउट इट है मोस्ट ऑफ यू इफ नॉट ऑल है ना सो दिस वॉज ऑल्सो डन ड्यूरिंग द इम्पीरियर चोलास राइट सो द्रॉन्स स्टैच्यूज ऑफ दिस नटराज और डांसिंग शिवा आर द मास्टर पीस आर वर्ल्ड फेमस ऑल राइट

Uh, about that. Alright, a small correction. Okay, I I forgot to update this here. This is the Imperial uh, Cholas. Alright, so this is not updated. Fine, anyways, nothing to worry about. So, this question is, is from Imperial Cholas. So, uh, I will not tell, I will not give you much hint right now. Let's see after writing the answer.

यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन अभिजीत सिंह अरोरा विच इज माई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट प्लीज डू फॉलो मी ओवर यू गाइज कैन इवन आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक डाउट कोई जनरल क्वेरी है लेट से अबाउट दिस टॉपिक इट सेल्व दैट यू कैन आस्क बिलो दीडियो इन द कॉमेंट सेक्शन फेसबुक अपस एंड डाउन्स कभी आपको दिखाई देगा कभी नहीं देगा इफ यू सी इट लाइक इट इफ यू डोंट सी देन फाइन

राधर देन गोइंग फॉर फुल कोर्स फुल कोर्स में इसलिए बना रहा हूँ क्रैश कोर्स तो आपको सब जगह मिल जाएंगे पूरा कोर्स कोई नहीं पढ़ाता है नो बड टीचि फुल कोर्स आई एम ट्राइंग टू टीच यू एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट दोट अफोर्ड कोचिंग दे कैन बी बेनिफिटेड ओवर हियर सो आई विल ट्राई टू कम अपक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट वीक एंड वीक डेज आई वुड बी ऑक्यूपाइड सो स्लो एंड स्टडी विल ट्राई टू कवर अप वट एवर मैक्सिमम वी कैन कवर बिफोर यूर एग्जामिनेशन अप्रोचेस आप भी अपने साइड से एफर्ट्स लगाते रहे पढ़ते रहे दीज वीडियोज विल बी एन एडेड एडवांटेज टू यू UPSC Digital Library is not the only place. आप और जो भी आपको जहाँ से जो videos अच्छे लगते हैं देख सकते हैं, जो video आपको हमारे channel पे अच्छे लगते हैं, you guys can watch from here. All right. Thank you everybody for watching. God bless you.